55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आगाज में ही आगे पहले इस बात का इजहार कर लिया कि काश के बच्चे मौजूद होते, क्योंकि मैं मेरी स्कूल के बच्चे थे, मैं जानता हूं उनको, और मैंने उनको जिस अंदाज से नसरी अदब का एक खाका उनको बयान किया था, तो ऐसी ही कहानियों का मैंने उनको जिक्र किया था कि आपको ऐसी सबक आमोज कहानियां जो है सुनने को मिलेगी कि आपको कुछ ना कुछ नए अल्फाज भी सीखने को मिलेंगे और ये सारी चीजें। बहरहाल मुझे एक और नई चीज यहाँ पर सूझी कि मैं ना डॉक्टर मोबिन नजीर साहब को किसी दिन स्कूल में मधु करता हूँ और दसवीं के तमाम बच्चों को बैठाता हूँ, हाल में बोलूंगा कि यही कहानी पेश करो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं उस प्रोग्राम में अब्दुल मजीद माटा साहब को भी मधु करूंगा क्योंकि उनकी कहानी भी बड़ी अच्छी थी। माशाल्लाह उनकी कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई, वो जानवरों को जिस अंदाज से, और डॉक्टर इकबाल तरीके साहब को बुला दो तो बात ही खत्म हो जाए। तो मत बुलाना, 208वीं नशीब तो वही हो जाएगी। 208वीं नशीब अगर सर नशीब तो मौजूद है, अगर ये गौर फिक्र कर लेने इजाजत दे देने तो डॉक्टर मंजूर हसन अभी भी हाल भर देंगे हम दसवीं के बच्चों से और नहीं मेरे नशीब पे कर लेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त मेरी काली चांद सूरज वाली जबान होगी। अरे क्या बात है, बहुत मजा आ जाएगा। ये तो यानी बच्चों को सीखने सिखाने का एक जबरदस्त माहौल मिल जाएगा। बहरहाल आइए, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमारे अगले कलमकार डॉक्टर अपने आसिफ इकबाल मिर्जा साहब यहाँ तशरीफ लाए और अपनी तशरीफ पेश पहली मतलब आपके सामने ड्रामा लेकर आया। क्या ड्रामा तो खैर मैं बचपन से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली मतलब आपके सामने, हालांकि ड्रामा पढ़ने या सुनने वाली चीज नहीं है, ड्रामा देखने वाली चीज, क्योंकि उसमें तमाम लवाजमात रहते हैं, मगर चूंकि कैसे हमारे पास वक्त नहीं है, लवाजमात नहीं है, कम से कम सुनकर वो शुरू के ड्रामा मैंने मुंबई के स्कूल के लिए लिखा था अभी जल्दी की। उनवान है खजाना, उसके किरदार है अब्दुल्ला, कृष्णा, बलबीर, डिसोजा, ये स्कूल के हम उम्र बच्चे हैं ये चार, और पांचवा जो किरदार है वो खान सर हैं, अठारह उम्र के स्कूल के जो हुए टीचर, ये पांच किरदार हैं। सुबह का वक्त है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के साइड या पीछे का मंदिर नज़र आता है, स्कूल पत्थरों की दीवार से बनी है जिस पर स्कूल के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, एंजल इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्कूल के दो बच्चे बलबीर सिंह और कृष्णा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े बातें कर रहे हैं, उनकी पीठ पर स्कूल बैग भी लटके हुए हैं। बलबीर, क्या बात है कृष्णा, आज तू भी जल्द स्कूल आ गया। कृष्णा, आज खान सर एनुअल प्रोग्राम के बारे में कुछ बताने वाले हैं। बलबीर, मैं भी इसलिए जल्द आया हूँ, मुझे तो ड्रामे में हिस्सा लूँगा। कृष्णा, मुझे जब खेल के मुकाबले अच्छे लगते हैं मैं तो उसमें भाग लूँगा। एक और लड़का डिसोजा स्कूल यूनिफॉर्म पहने पीठ पर बैग लटकाए उसे आकर मिलता है। डिसोजा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कृष्णा बलबीर दोनों एक साथ गुड मॉर्निंग। डिसोजा, और सुना फ्रेंड्स, अब्दुल्ला नहीं आया। बलबीर, नहीं अभी तक तो नहीं आया, हम भी उनका वेट कर रहे हैं, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। एक तरफ से उनका दोस्त अब्दुल्ला स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल बैग लटकाए उनके करीब आता है, उसके दोनों हाथ पीछे हैं और उसने अपने हाथों में कोई चीज़ पकड़ रखी है। अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिसोजा, कृष्णा, बलबीर एक साथ गुड मॉर्निंग। कृष्णा, क्या बात है अब्दुल्ला, सबसे पहले स्कूल हमेशा तू ही आता है मगर आज लेट हो गया। अब्दुल्ला, हाँ वो मैं कुछ लाने के लिए जंगल की तरफ चला गया था। डिसोजा, जंगल से क्या लाए हो भाई? अब्दुल्ला, गेस करो मेरे हाथों में क्या है। कृष्णा, जंगल गया था तो फिर कोई शेर का बच्चा ही ना उठा लाया हो, सब कहे लगाते हैं। बलबीर, अरे भाई तू ही बता दे क्या लाया है। अब्दुल्ला धीरे धीरे हाथ आगे करता है, घंटा ना। तीनों हजर से देखते हैं। डिसोजा, अरे ये तो नीम का पौधा है। कृष्णा, नहीं नहीं ये गुलाब का पौधा है। बलबीर, ना नीम ना गुलाब, ये धतूरे का पौधा है। अब्दुल्ला, अबे धतूरे, ये चमेली का पौधा है। कृष्णा, मगर इस पौधे का तू करेगा क्या?
अब्दुल्ला मैं इसे अपने घर के बाहर आंगन में लगाऊंगा। इतने में खान सर टहलते हुए वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही अब्दुल्ला पौधा फिर से अपने पीछे छुपा लेता है। चारों एक सवाल होकर गुड मॉर्निंग सर, खान सर गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तुम चारों दोस्त बहुत जल्दी स्कूल आ गए। बल्कि सर वो आज एनुअल प्रोग्राम के बारे में आप तुम बताने वाले हैं ना, इसीलिए। खान सर हंसते हुए, अच्छा अच्छा आप लोगों को भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। कृष्णा, यस सर हम चारों अलग अलग फैकल्टी में हिस्सा भाग लेंगे। खान सर ये तो बहुत अच्छी बात है। खान सर की नज़र अब्दुल्ला पर पड़ती है। अरे अब्दुल्ला तुमने अपने हाथों के पीछे क्या छुपा रखा है? अब्दुल्ला घबरा कर, कुछ नहीं सर बस यूं। डिसोजा, सर अब्दुल्ला ने जंगल से एक पौधा उखाड़ लाया है। खान सर, अब्दुल्ला बेटा बताओ पौधा कहाँ है? अब्दुल्ला धीरे धीरे हाथ आगे करता है, ये देखिए सर। खान सर चश्मा दुरुस्त करते हुए पौधे का मुआयना करते हैं। अरे ये तो चमेली का पौधा है, बहुत खूबसूरत है, अब इसका तुम क्या करोगे? अब्दुल्ला, सर मैं इसे अपने घर के आंगन में लगाऊंगा। खान सर, ऐसे तो इसे कोई बकरी खा जाएगी या तुम्हारे जैसे कोई शरारती बच्चे उखाड़ लेंगे। तुम चारों एक काम करो, मैं तुम्हें कुदाल और फावड़ा देता हूँ, तुम इसे इसी जगह गड़ा खोद कर लगा। स्कूल की दीवारें चूंकि ऊंची हैं इसलिए कोई जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो तुम चारों की दोस्ती की यादगार के तौर पर यहाँ हमेशा झूमता रहेगा। कृष्णा, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम इसको जाली से ढक देंगे। अब्दुल्ला, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। बलबीर, तू सर के साथ जाओ कुदाल फावड़ा लेकर। बलबीर ठीक है। बलबीर खान सर के साथ चला जाता है। डिसोजा एक जगह को पॉइंट आउट करता है, ये जगह मुनासिब रहेगी। कृष्णा, हाँ इसी जगह पर हम ये पौधा लगाएंगे। अब्दुल्ला, देख लेना हम बड़े हो जाएंगे तो ये पौधा भी बड़ा हो जाएगा, तो ये झूम झूम कर हम चारों की दोस्ती की ईद गाएगा। बलबीर कुदाल और फावड़ा लेकर आता है। कृष्णा, अरे बलबीर कुदाल से यहाँ खोदना शुरू कर, और डिसोजा तू फावड़े से मिट्टी साइड में करता जा। डिसोजा ठीक है। बलबीर कुदाल से जमीन खोदना शुरू करता है। डिसोजा फावड़े से मिट्टी दूर करता जाता है। अचानक अब्दुल्ला को गड़े में कुछ नजर आता है। अब्दुल्ला, अरे यार मिट्टी में तो कोई चीज गड़ी हुई है। कृष्णा, अरे तो कोई डिब्बा है। डिसोजा डिब्बे को बाहर निकाल। डिसोजा इतिहास से खूबसूरत डिब्बा बाहर निकाल कर जमीन पर रखता है। बलबीर, यार डिब्बा तो बहुत खूबसूरत है और वो इसमें ताला भी लगा हुआ है। डिसोजा, यकीनन इसमें खजाना होगा। तीनों एक साथ, खजाना? डिसोजा, हाँ खजाना, ये खूबसूरत पुराने मॉडल का डिब्बा बता रहा है कि इसमें जरूर पुराने दौर के हीरे जवाहरात होंगे। अब्दुल्ला, हीरे जवाहरात? डिसोजा, लेकिन ये खजाना मैं लूंगा क्योंकि मैंने इसे निकाला है। अब्दुल्ला, ये क्या बात हुई? देखा तो पहले मैंने था ना, इसलिए खजाने का डिब्बा मैं लूंगा। कृष्णा, लेकिन बोला तो मैंने था ना, इसलिए खजाना मेरा है। बलबीर, अरे मगर खड्डा तो मैं खोद रहा था ना, इसलिए हीरे जवाहरात का डिब्बा मेरा है। अब्दुल्ला, पौधा जंगल से मैं लाया, गड़ा भी मेरी वजह से खोदा गया, डिब्बा भी पहले मैंने देखा, इसलिए इस खजाने पर मेरा हक है। डिसोजा, वाह वाह वाह, मैं यहाँ मिट्टी निकाल रहा हूँ, डिब्बा भी मैंने निकाला, इसलिए डिब्बा मेरा है। कृष्णा, लेकिन डिब्बे को देखकर मैंने ही कहा था और डिब्बा भी मेरे बोलने पर ही बाहर निकाला गया था, इसलिए इस खजाने का मालिक मैं हूँ। बलबीर, अगर मैं गड़ा नहीं खोदता तो खजाना नहीं निकलता, इसलिए इसे मैं ही लूंगा। अब्दुल्ला, मैं लूंगा। कृष्णा, ये मेरा है। डिसोजा, इस खजाने में का हकदार मैं हूँ। बलबीर, नहीं ये खजाना मेरा है। चारों झगड़ा करते हैं, खजाना मेरा है के रट लगाते हैं। अब्दुल्ला पौधा फेंकता है, डिसोजा फावड़ा और बलबीर कुदाल फेंकता है, और चारों एक दूसरे से लपट जाते हैं, एक दूसरे को लाते और गुस्से से मारते हैं। शोर सुनकर खान सर वहाँ आते हैं और उन चारों को अलग अलग करके उनका झगड़ा छुड़ाते हैं। खान सर, ये क्या धींगा मस्ती कर रहे हो? हटो हटो, दूर हटो, ये स्कूल है और तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम चारों अच्छे दोस्त हो। बलबीर, लेकिन सर ये डिब्बा मैं लूंगा। अब्दुल्ला, नहीं ये डिब्बा मेरा है। खान सर हैरत से, कौन सा डिब्बा? डिसोजा, सर ये खजाने का डिब्बा। खान सर, मगर यहाँ कैसे आया? कृष्णा, सर आया नहीं, ये जमीन से निकला है। बलबीर, सर आपने हमें पौधा लगाने के लिए कुदाल और फावड़ा दिया था, हमने यहाँ गड़ा खोदा तो ये खजाने का डिब्बा जमीन से निकला है। खान सर, अच्छा तो ये बात है, तो फिर इस पर सब अपना अपना हक क्यों जता रहे हैं? बलबीर, सर इसलिए ये पौधा लगाने के लिए गड़ा तो मैं खोद रहा था। डिसोजा, मगर सर मिट्टी तो मैं हटा रहा था तभी यह डिब्बा निकला। अब्दुल्ला, सर डिब्बे को सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए खजाना मेरा हुआ ना। कृष्णा,
लेकिन सर कौन क्या करेगा ये डायरेक्शन तो मेरा था ना, इसलिए खजाने का असल मालिक मैं हुआ ना। बलबीर, ओए कृष्णे, ऐसे कैसे तू मालिक हुआ? कोई डिब्बे बाहर लगा कर तो बताए। खान सर खामोश, तुम लोग इतने जिगरी और पुराने दोस्त होकर एक डिब्बे के लिए अपनी पुरानी दोस्ती भूलकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अब्दुल्ला सर, डिब्बा नहीं, ये डिब्बे के खजाने की वजह से झगड़ा हो रहा है। खान सर एक बात बताओ, तुमसे किसने कह दिया कि इस डिब्बे में खजाना है? चारों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और इनकार में सर हिलाते हैं। डिसोजा सर, हमें मालूम नहीं कि इसमें क्या है। खान सर, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या है तो फिर इस पर दावा कैसा? कृष्णा सर, हम समझे इसमें हीरे जवाहरात होंगे। खान सर, तुम ऐसा समझे और एक दूसरे की दोस्ती बुलाकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे? अरे पहले इस डिब्बे में देख तो लेते कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद कोई फैसला करते। चारों की गर्दन निदामत से झुक जाती है। खान सर, बलबीर कुदाल मेरे पास लाओ, डिसोजा तुम्हें डिब्बा लाओ। बलबीर कुदाल ला कर देता है, डिसोजा डिब्बा उठाकर पकड़ता है। खान सर कुदाल की मदद से ताला तोड़ देते हैं और डिब्बे को अपने हाथों में ले लेते हैं। चारों खान सर के थोड़े फासले पर खड़े डिब्बे की तरफ देख रहे हैं। खान सर डिब्बे में झांकते हैं। खान सर, हाँ इस डिब्बे में खजाना दफन है। मैं तो कहता हूँ कि इसमें एक अनमोल खजाना है जो हम सबको इंसान होने और एक अच्छे हिंदुस्तानी होने की याद दिलाता है। कृष्णा सर, इसमें क्या है? खान सर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक अजमत का वो मीनार है जिसे हम सब सलाम करते हैं। अब्दुल्ला सर, मगर इसमें ऐसा क्या है जो सलामी के लायक है? खान सर डिब्बे में हाथ डालकर छोटा सा खूबसूरत तिरंगा झंडा निकालकर सबको बताते हैं। चारों हैरत से झंडे को देखते हैं। खान सर, तो इस डिब्बे में ये है हम हिंदुस्तानियों का असला खजाना, जिसके आगे दुनिया के खजाने ही हैं। और सुनो, इस डिब्बे में एक चिट्ठी भी है, शायद इसमें भी कोई पैगाम पोशीदा हो। खान सर डिब्बे में हाथ डालकर एक कागज निकालते हैं और उसे आवाज बुलंद पढ़ते हैं। अगर हमें इस मुल्क में अमन और शांति के साथ रहना है तो हमें मिलजुल कर एकजुट होकर रहना होगा, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना होगा। चंद शर्मसंद लोग हम भारतवासियों का धर्म और मजहब के नाम पर अलग अलग करना चाहते हैं, मगर यहाँ के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के दो हाथ और दो पैर हैं। जब तक ये हाथ और पैर चलते रहेंगे भारत चलता रहेगा, वरना भारत मादूर हो जाएगा, अपंग हो जाएगा और मर जाएगा। लिहाजा अपने भारत को मादूर और अपंग होने से बचाना है तो तमाम लोगों को इसकी तरक्की और उन्नति के लिए आगे आना होगा और एक साथ मुत्तहिद होकर कांधे से कांधा मिलाकर इसका साथ देना होगा। यही वक्त की पुकार है, यही हमारे संस्कार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जय हिंद। खान सर पैगाम खत्म करके चारों की तरफ देखते हैं। खान सर, कृष्णा अब्दुल्ला बलबीर और डिसोजा, तुम लोग आपस में दोस्त हो, सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जिगरी दोस्त हो। खजाने के एक मामूली डिब्बा देकर तुम आपस में लड़ पड़े। अरे अभी तो तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इस देश का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, इस मुल्क का मुस्तकबिल अब तुम्हारे हाथों में है। चाहे तुम्हें कोई किसी तरह का लालच दे, राय धमकाए, एक दूसरे के खिलाफ बदसन करे, मगर किसी के बहकाव में ना आते हुए मुझे यकीन है आइंदा तुम मिलजुल कर रहोगे, हर वक्त एक दूसरे का साथ दोगे और इस तिरंगे का सर हमेशा ऊंचा रखोगे। खान सर तिरंगा झंडा ऊपर उठाते हैं। खान सर अब जोर से एक साथ बोलो जय हिंद। चारों एक साथ जय हिंद। पर्दा गिर गया। शुक्रिया। अपना ड्रामा पेश कर रहे थे आसिफ इकबाल मिर्जा साहब, पर जो सवाल ये तबसरा करना चाहे वो ये करना। ये ड्रामा था, और ड्रामा सही बातें करके देखने की चीज़ है, उसके डायरेक्शन और उसके तमाम चीज़ों की यक बाबी यक मंजरी ड्रामा था। एक सीन के आके दूसरा सीन नहीं बढ़ता, लेकिन जो मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूँ कि जब हम कलम उठाते हैं तो जो मौजू हाथ में ले उस मौजू के यानी 7-12 से हमको पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए। अगर हम उसमें कहीं कमज़ोर हैं तो बहुत यानी ढोंडापन उसमें आता है, हमको नहीं एहसास होता, लेकिन जब सामने जाती है चीज़ तो वो पढ़ने वाला पूरी तौर से समझ लेता है कि ये राइटर कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि जंगल से पौधा लाया चमेली का पौधा जंगल में नहीं पाया जाता है, चमेली का पौधा जंगल में नहीं पाया जाता, ये होता ही नहीं, ये नर्सरी की चीज़ है। आमतौर से नर्सरी वाले ही इसकी वो करते हैं, रोक लगाते हैं, और ये बेल है,
ये दरख्त और पौधा नहीं है, जैसे अगर गुलाब का पौधा होता या मोगरे का होता तो हम मान सकते थे, लेकिन ये चमेली है, ये पेड़। दूसरी बात आपने कहा जो स्पोर्ट्स में कि मैं ये मैं वो लूँगा, मैं वो खेलूँगा, मैं वो करूँगा, आपने वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया फैकल्टी, फैकल्टी नहीं होती वो। स्पोर्ट्स डे जब मनाया जाता है पूरी स्कूल का, तो जो अलग अलग गेम होते हैं उनको इवेंट कहा जाता है। ये टेक्निकल चीज़ है, ये इस्तेला अगर आप फैकल्टी, तो वहाँ पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये फैकल्टी होगी, आप उसमें जा रहे हैं। ये बहुत इन्हें मामूली मामूली चीज़ है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बहुत दूर जाते हैं। राइटर उसमें खुलता है कि राइटर कहाँ है, तो ये चीज़। और दूसरा जो आपने क्लाइमेक्स पर ड्रामे में इस तरीके से तकरीर करना, वो के वो टीचर जो है वो बहुत मुख्तसर सी होना चाहिए थी, वो बहुत तवील होगी, उसमें खजाना ही निकलता, यानी हीरे जो है नहीं निकलते, चंद सिक्के निकलते। और वो ये कहता कि यार ये आप लोगों के तहदा होने की एक मिसाल है कि आपके हाथों से ये जो पैसे भी निकले हैं, उसमें वो चिट्ठी भी आप रखते हैं, उसमें भी कि किसी ने पैसे जमा किए थे किसी और के लिए, वो छोटा बच्चा था या ये वो किसी और के लिए, और बाद में वो उसका वो नहीं हो सका वो काम, तो उसने दफन कर दिया वो, अब आपके हाथ लग गया। तो ये पूरी दौलत आप चारों की तलाश यानी पाई हुई मुश्तरका दौलत आपके स्कूल को लग जाए, तो आपके आने वाली नस्लें भी इससे फायदा। तो ये जो थोड़ा सा मैसेज जाता था वो वजह ये कि हीरे जवाहरात के लिए मैं लड़ूँ मैं लड़ूँ मैं लड़ूँ, ये छोटी छोटी चीज़ जो है कि ये थोड़ी सी उसमें वो करती है, और थोड़ा सा मैं नहीं समझता कि डायरेक्शन में वो कहाँ तक के जाएगी और वो उसको उठा सकेगी वो सीन को। ये बाकी लोग ये हैं ये यहाँ पर ड्रामे वाले, ये लोग जानते हैं कि ये जो चीज़ मेरी नज़र में उसमें मैं कह दिया। फर्जी सर की बात से दिमाग करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आज की जो नस्ल है वो हीरे जवाहरात को उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है, रुपया पैसा अगर बताया जाए जैसे कि सर ने कहा तो वो चीज़ बेहतर हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि वो जो पर्ची निकलती है उस डिब्बे के अंदर, उसमें पढ़ा हुआ है कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, ऐसा कुछ उसमें मजमून है, और अगर कुछ हुआ तो एक हाथ माजूर हो जाएगा और फिर माजूर होने के बाद मर जाएगा, तो माजूर होने के बाद जो है हाथ टूटने से कोई मरता नहीं। अगर अफसाना ने ये ड्रामा निगार को मिसाल देनी थी तो सर सैयद अहमद खान वाली मिसाल देता कि हिंदू और मुसलमान जो है वो इसकी दो आंखें, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह, इस तरीके की जो मिसालें हैं वो दी जा सकती हैं। हाथ टूटने से या माजूर होने से कोई मरता नहीं, ये चीज़ का भी जो अफसाना ये ड्रामा निगार को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया। तराजमे उसमें जब वो पहुँची कि यार ये मेरा है ये मेरा ये मेरा, सब लोग कहते हैं इन्हें में खान सर आ जाते हैं, और मैं ये समझा था कि अभी यहाँ पर जो इख्तिताम पानी का स्तर हो जाएंगे खान सर होने के, क्योंकि फिर जगह मैंने बताई इसलिए डब्बा मेरा खान सर ये का आप तसव्वुर में अपने आप को तो नहीं दे रहे। आइए अगले कलमदार की ओर चलते हैं। मैं यहाँ पर सदर मुहिबान अदब हारून अख्तर साहब को गुजारिश करता हूँ कि एक तवील अरसे के बाद अदारे नसरी अदब में आप अपनी तकलीफ लेकर हाजिर आए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बचपन बचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकापती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।